पिछली बार हमें MCA की वेबसाइट ने फंसने से बचाया था। चल फिर से चेक करके देखते हैं, तेरे बिजनेस को स्टार्ट करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तेरा लैपटॉप कहाँ है? ये वोटर आईडी कार्ड नकली है। नकली? सही डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए और फिर से अप्लाई कीजिए। हो गया? क्या हुआ भाई? वो लोग कह रहे हैं कि मेरा कुछ बोलेगा भी बाबूजी। वो लोग कह रहे हैं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नकली है। क्या? एक मिनट, तू मेरे साथ आ बाबूजी। मैम, क्या हम किसी सीनियर ऑफिसर से मिल सकते हैं? कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने। अरे क्या चेक करवाने, इनके तो जो मन में आएगा वो बोल देते हैं। अरे वोटर आईडी कभी नकली हो सकता है क्या? मजाक है कोई? आई एम सॉरी सर, अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है तो वो चेक होकर ही हुआ होगा। अरे गलत कह रहे हैं वो, ये मेरा बेटा है, मेरा, झूठ नहीं बोल सकता, समझिए आप। मैडम, क्या हम प्लीज असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर से मिल सकते हैं? ये हमारा हक है कि हम अपनी बात बड़े अधिकारियों के आगे रख पाए, प्लीज। नहीं सर, तो अभी नहीं मिल पाएंगे सर, अभी बिजी हैं। मैडम कैसे नहीं मिल सकते, यहाँ मेरे बेटे का भविष्य का सवाल है और आप कहती हैं कि नहीं मिल सकते। उन्हें हमसे मिलना ही पड़ेगा मैडम। सर आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं सर से अभी कॉल करके कंफर्म करती हूँ सर अगर बिजी नहीं होंगे। प्लीज प्लीज कीजिए। हेलो, ये सर, ये यहाँ पर कुछ लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ओके, आप यहाँ राइट से ऊपर चले जाइए, फर्स्ट फ्लोर पर, ऊपर सर का केबिन है, वहाँ बात कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। पापा कुछ तो कहिए। क्या कहूँ? बेटा मुकुल, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैंने आज तक तुम्हारी हर जिद हर बात मानी है, और मानता भी क्यों ना, आखिर बाप हो तुम्हारे। लेकिन लेकिन क्या पापा? बेटा तुम पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम खुद को जानते नहीं। बेटा पैसे पेड़ों पर तो लगते नहीं है, पिछले एक साल में तुमने पूरे 5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए हैं और कर्जे अलग से चढ़ा लिए सिर पर अपने, और अब तू कह रहा है कि तू हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है। नहीं बेटा नहीं, मैं और पैसा नहीं गवा सकता। पापा मैं मानता हूं कि मुझसे काम और लोगों को पहचानने में गलतियां हुई, लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। क्यों, इस बार कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई है क्या? शायद। शायद मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दिशा, ये देखिए पापा जी, MCA 21 क्या है ये? पापा ये वही साइट है जिसकी वजह से मैं प्रकाश पाल के उस चक्कर से बचा था। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? ये बताने के लिए कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। पापा पापा प्लीज बस एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए, बस लास्ट टाइम। ये ठीक कह रहे हैं पापा जी। ये देखिए पापा जी, इस साइट में कंपनी फॉर्मेशन का एक एक स्टेप दिया हुआ है, सारी डिटेल्स है कि कब कैसे क्या करना है।
ठीक है बेटा, लेट मी थिंक ओवर इट, मुझे कुछ सोचने का टाइम दो, ठीक है? ऑलराइट, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखिए भाई साहब, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और दरियागंज गवर्नमेंट स्कूल में पिछले 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ सच बोलने की भी शिक्षा दी है और यही संस्कार मैंने अपने दोनों बच्चों को भी दिए हैं। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता, ये गलती आपसे ही कहीं हुई होगी। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये वोटर आईडी नकली है, फेक है। देखिए आप एक इज्जतदार आदमी हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप असली आईडी ले आए, अदरवाइज नकली पेपर जमा कराना कानूनन जुर्म है। अ सीरियस ऑफेंस। सर प्लीज कुछ कीजिए ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर ये मेरे लिए और बड़ी मुश्किल से मिली है जॉब और 3 हफ्ते बाद ज्वाइन भी करना है, तो अगर तब तक कुछ हो जाए तो। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं ये नकली डॉक्यूमेंट ओके कर दूं? निखिल ये सब क्या है? बाबूजी वो देखिए हमारी पब्लिक डीलिंग 4:30 बजे तक की होती है, अगर आप तब तक एक एफिडेविट लाकर दे सकें तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, वरना फिर से आपको सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सर एफिडेविट? हाँ, किसी सीनियर सरकारी अफसर से। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर? अंडर सेक्रेटरी या उनसे सीनियर, या कोई DSP या सीनियर डिफेंस ऑफिसर से। सर हम तो ऐसे किसी ऑफिसर को, किसी SDM, DM या ADM के ऑफिस भी जा सकते हैं, उनके ऑफिस से एनेक्सर F वाला वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाना, उनके लेटर हेड पर स्टैंप और सिग्नेचर के साथ। थैंक यू सर। बाबूजी आइए। चल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा भाभी, निखिल का जहाज उड़ेगा कितने बजे? कभी नहीं। ये क्या कह रहे हैं जी आप? ठीक कह रहा हूं मैं। नाक कटवा दी है तेरे बेटे ने। अब क्या किया मिथिलेश ने? मिथिलेश ने नहीं, निखिल ने। अरे भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह सभी शहर चल दिए। हमें मुन्नी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सूरज भैया, और हमें अपना आधार कार्ड बनवाना है। हमें तो बाबूजी के लिए रेल का टिकट कटवाना है सूरज भैया। मगर इन सभी चीजों के लिए शहर में जाने की क्या जरूरत है? मतलब ये है हमारे गांव का सार्वजनिक सेवा केंद्र, अब आपके सारे काम यहीं पूरे हो जाएंगे। ना शहरों के दरवाजे अब ना सड़कें झिड़के हैं, आओ चले चौपाल तलक अब गांव गांव में खिड़की है। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले। सार्वजनिक सेवा केंद्र, आप भी आएं और ढेरों सुविधाओं का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। समझ में नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। अरे कोई और कागज जमा नहीं कर सकते क्या? बाबूजी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से 16 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है उनकी वेबसाइट पर, तत्काल में पासपोर्ट बनवाने के लिए उसमें से कोई 3 जमा करने होते हैं। अबे अकल के अंधे, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि कोई और कागज जमा कर सकते हैं या नहीं। तो और कोई कागज है का इसके पास? ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड और वोटर आईडी। अब वोटर आईडी का झमेला नहीं पड़ता तो। सच सच बता निखिल, ये चक्कर क्या है? बाबूजी वो
उससे पहले के जूता उतार के तेरे सर पे मारूं। साफ-साफ बता बात क्या है। बाबूजी वो मुझे माफ कर दीजिए, ये वोटर आईडी वाकई में नकली है। लेकिन ये मैंने नहीं बनवाया, ये तो उस दलाल मुरारी लाल ने बनवाया। ओए, तेरा ओरिजिनल आईडी कहाँ है? अलमारी में रखा हुआ था, पता नहीं कैसे चूहे कुतर गए। तो मुरारी लाल ने मुझे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो जुगाड़ करा देगा। वाह, जुगाड़ हो गया। जुगाड़, मैं तो सोचता था कि यही नालायक है, लेकिन तू तो इससे दो कदम आगे निकला। जुगाड़ हो जाएगा। बाबूजी, बाबूजी सॉरी, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी बात तो सुनिए बाबूजी मेरी। बाबूजी प्लीज, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जाओगे भी कहाँ अब? ऑर्डर। भाई बोलना यार, चूहे कर गए बाबूजी, अब हो जाता है कभी कभी। बाबूजी सॉरी, बाबूजी बात तो सुनिए बाबूजी। सब गड़बड़ हो गया भाई, सब खत्म हो गया। और वो मुरारी लाल वो भी भाग गया, उसको तो मैं बताता हूँ अब। चुप कर, चुप कर और चल मेरे साथ। पर कहाँ? ऑटो। जा कहाँ रहे हम यार? रुक जाना यार। मोरी गेट। हाँ चलो। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। मुझे भी भाभी, तभी तो इतनी सारी खा गया। अरे मैं खीर की नहीं, टुकनी की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब सब बता दिया मिथिलेश ने। भाभी बहुत ही प्यारी बच्ची है, हमारे सरपंच जी की बेटी है, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, जोड़ी खूब जमेगी दोनों की। भाभी मेरी मानो तो जल्दी आप और भाई साहब किशनगढ़ आकर सरपंच जी से टुकनी का हाथ मांग लो, और फिर चट मंगनी और पट ब्याह। खुद तो अभी तक कुंवारा है और दूसरों की बारात निकलवाने की बात। अरे मेरा क्या है भाभी, मैं ठहरा बजरंग बली का फक, मस्त मौला आदमी मेरा क्या है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मस्त मौला। महेश सर, एक बात पूछूं? हाँ हाँ। ये टुकनी की कोई बहन भी है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर निखिल का भी। अरे भाभी छोरा दुबई जाने वाला है, साल दो साल नौकरी करने दो उसे, फिर बांध देना उसके भी पैर। अच्छा भाभी, ये दुबई यहां से कितनी दूर होगा? एक दो दिन तो लगते होंगे पहुंचने में। अच्छा भाभी, निखिल का जहाज उड़ेगा कितने बजे? कभी नहीं। ये क्या कह रहे हैं जी आप? ठीक कह रहा हूं मैं, नाक कटवा दी है तेरे बेटे ने। अब क्या किया मिथिलेश ने? मिथिलेश ने नहीं, निखिल ने। क्या हुआ भाई साहब? नकली कागज जमा करा दिए उसने। क्या? हाँ जी, कैंसिल हो गई है पासपोर्ट की अर्जी उसकी। हे भगवान, अब कहाँ है दोनों? पता नहीं। आप चिंता ना करें भाई साहब, मिथिलेश निखिल के साथ है तो कोई परेशानी की बात नहीं, वो कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा। कुछ नहीं हो सकता अब। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो ऐसी औलाद मिली। पूरे बाबा, अरे हम आपको मौना थोड़ी ना किया है। अच्छा ठीक है, लॉन्च के बाद पहला काम आपका करेगा, बस खुश है? अब हमें जाने दो। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। अगर आप 10 मिनट लेट खाना खाएंगे कुछ बिगड़ जाएगा आपका। एक्सक्यूज मी।
राशन कार्ड हो बनवाना, अब दूर नहीं पड़ेगा जाना। ये देख मिल गया। बर्थ सर्टिफिकेट करना हो हासिल, अब इसमें कुछ नहीं है मुश्किल। खसरा खतौनी की नकल हो निकलवानी, अब नहीं होगी कोई परेशानी। जानना हो परीक्षा का परिणाम तो चुटकियों में बन जाएगा काम। पासपोर्ट के लिए करना हो अप्लाई, लंबी लाइन को कहो गुड बाय। अब हक से करवाएं अपना काम, सेवाओं के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर पर जाएं, इंटरनेट से लॉगिन करें या मोबाइल से एक्सेस करें। अब आप सारी सरकारी सेवाएं आसानी से पाएं। नेशनल ई गवर्नेंस योजना का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। ये रेड लाइट जम कर लो ना। लेट हो रहा है यार। अरे भैया ये रेड लाइट जम कर दो यार। यार चुप करके बैठ जाओ, गाड़ी ठोक देंगे यार। प्लीज हो जाएगा, टेंशन मत लो। अरे भैया प्लीज थोड़ा तेज चलाइए ना यार। क्यों, अब एक्सीडेंट भी करवाएगा? हाँ आप आराम से चलाओ भैया। रुक 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 रुक, जल्दी दे पैसे। सुनो ये लो, चल चल। सुन ये ले, फाइल दे मुझे। सर एसडीएम का ऑफिस कहाँ पर है? अंदर ही जाकर। अच्छा ये वाला बताया ना? हाँ यही था। हाँ जल्दी चलो, इसको जाके बात करते हैं। अरे 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 एक ही होलो। अरे देखते पाछो ना कि धक्का क्यों देती हो, मतलब धक्का क्यों देती है? सर सर सॉरी सर, एक्चुअली हम लोग को एफिडेविट बनवाना है सर, बहुत अर्जेंटली। आधे घंटे बाद आना। आधे घंटे बाद? अरे बाबू मौसाय देखा नहीं, लंच टाइम है और हमको बड़ी जल्दी से भूख लगता है। सर सॉरी सर, देखिए बहुत अर्जेंट नहीं मिल रहा। बात तो सर ये करियर चौपट हो जाएगा सर। बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज सर। सर प्लीज, हमारा लंच भी बहुत अर्जेंट है सर। बात समझने की कोशिश कीजिए सर, हम बहुत जल्दी में है सर, प्लीज। अरे जल्दी में तो सारा देश है, हमारे भी ट्रांसफर जल्दी जल्दी में हुआ था कोलकाता से। जिसे देखो उसे ही जल्दी है, अब हमको भी जल्दी से जाने दो, आधे घंटे बाद आना। सर मेरी बात सुनिए, एक्चुअली मुझे दुबई जाना है इसलिए। अरे बाबा दुबई जाना है तो एयरपोर्ट जाओ ना, यहाँ क्यों आई? नहीं सर मेरा मतलब है मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना था। ईश की दुर्गति रे बाबा, थोड़ा सोच के बोला करो ना। कभी बोलते हो दुबई जाना है, कभी बोलते हो पासपोर्ट ऑफिस जाना है। सर प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम लोग लेट हो गए तो। अरे बाबा, अरे हम आपको मना थोड़ी ना किया है। अच्छा ठीक है, लॉन्च के बाद पहला काम आपका करेगा, बस खुश है? अब हमें जाने दो। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। अगर आप 10 मिनट लेट खाना खाएंगे कुछ बिगड़ जाएगा आपका। एक्सक्यूज मी, लंच 2 बजे ओवर होता है, आप 2 बजे आ जाइए। बड़ी अजीब बात है आपकी, आप लोग बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? पता है कितनी मुश्किल से मिली है मुझे जॉब, 3 हफ्ते बाद दुबई जाना है ज्वाइन करने। उधर पासपोर्ट वाले ने पंगा डाल रखा है, इधर आप लोगों के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। और बाय द वे आप होती कौन है हमें लेक्चर देने वाली? ए भाई मैडम से तोमी से बात करो। मैडम आई एम सॉरी, मैं आपसे अपने भाई के लिए माफी मांगता हूँ। एक्चुअली ये बहुत टेंस्ड है, इसका सारा काम अटका हुआ है। मिस्टर घोष आप जरा अंदर आइए, और आप लोग भी। ओके मैडम। मैम मैडम आप, अरे मैडम यहाँ के एसडीएम हैं। बैठिए आप लोग।
क्या आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लाए हैं? आई मीन आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ एंड जॉब ऑफर लेटर. इसमें. थैंक यू. हाँ, की नाम? निखिलेश कुमार. एज? 30. ये लीजिए मैडम. थैंक यू मिस्टर घोष, एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से आपका लंच लेट हो गया. अरे मैडम, हमारा लंच लेट हुआ कोई बात नहीं. इन लोगों का तो दुबई का फ्लाइट है. वो दुबई का फ्लाइट अगर लेट हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा. थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट. इट्स ओके. थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सर. एंड सर सॉरी अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई तो. अरे बाबा अभी तुम जाओ, ये थैंक यू सॉरी के चक्कर में ना तुम्हारा दुबई का फ्लाइट मिस हो जाएगा. जाओ, वो ट्रेन नहीं है. जाओ 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 पकड़ो. All the best for your Dubai job. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. अभी तक आए क्यों नहीं भाई साहब? महेश सर, कोई फायदा नहीं उन नलायकों का इंतजार करने से. तू जा वरना तेरी बस भी छूट जाएगी. कुछ नहीं छूटेगा बाबूजी. ना ही चाचा की बस और ना ही मेरा जहाज. पासपोर्ट का काम हो गया. भाई ने कराया सब. देखा भाई साहब, मैंने कहा था ना अपना मिथिलेश साथ में है तो कोई चिंता की बात नहीं. शाबाश मेरे चीते, शाबाश. अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूं. इन दोनों से मुलाकात हो गई. चाचा मैं आपके साथ चलता हूं बस अड्डे तक. अरे नहीं बेटे, तू रहने दे. तो पहले थक के आ रहा है, आराम कर. अरे चाचा चलिए. अच्छा भाभी. हाँ, ये लो रास्ते के लिए कुछ. अच्छा चाचा. अच्छा बेटा. जी तेरा बेटा. अच्छा भैया. हाँ, अच्छा भाभी. पहुँच के फोन जरूर कर. जी भाभी जरूर. अरे अब तू भी जल्दी से वापस आ जा. जी. किशनगढ़ को तेरी जरूरत है. लो बाबू जी, अब मुंह मीठा करो. हाय भाभी, मुकुल है? हाँ प्लीज कम. बैठी भैया. क्या हाल है? हाँ क्या हुआ यार, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ? यार मुझे नहीं लगता कि पापा मानेंगे. क्यों? तूने उनको MCA 21 के बारे में सब बताया था भैया, उनको साइट भी दिखाई थी. फिर यार उन्हें अभी भी डर है कि मैं पिछली बार की तरह इस बार भी उनके पैसे ना डुबा. यार इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो बिजनेस क्या कद्दू करूंगा. हेलो, क्या तेरी चोट कैसे लगी है? अरे कुछ नहीं दरोगा जी, बेचारे की छत टपकती है बरसात में, ठीक करने गया था ऊपर, पैर फिसल गया तो नीचे आ गया. क्यों रे वकील बाबू, सही कह रहे हैं?
पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले हाथ पकड़ लो साथ चले हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले हाथ पकड़ लो बिजली की रफ्तार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे, बिजली की रफ्तार से तुम, हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ पकड़ लो साथ चले